सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉल आती है, वो एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर प्री मैच्योर इजेकुलेशन की दवाई बताइए, सर रिंग में छोटापन है उसकी दवाई बताइए, सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसकी दवाई बताइए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने वो व्हाट्सएप पे एक मेडिसिन देखी थी होम्योपैथी, मैंने वो दवाई ले रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ या जब मेरे पास में पेशेंट आते हैं, जितने भी सेक्स रोगी हैं, जब उनसे मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनमें से 70% रोगी है ही नहीं, तो वे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, उनको कोई रोग है ही नहीं, लेकिन उनको रोग कहां से हुआ, उनको रोग हुआ डर से, खौफ से। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक फियर बैठा हुआ है। तो जितने मान के चलिए मेरे पास डेली 10 पेशेंट आ रहे हैं, तो उनमें से 5 पेशेंट को तो मैं वापस ही भेजता हूँ कि आपको कोई रोग है ही नहीं, सिर्फ एक काउंसलिंग करता हूँ और उसका भी कोई चार्ज नहीं लेता, उनसे बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आपको कोई रोग नहीं है। या जब मेरे पास कॉल आती है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, एक्चुअली क्या है, जो होम्योपैथिक सिस्टम है ये लक्षणों के आधार पर चलता है। जब हम किसी पेशेंट के लक्षण लेते हैं और उससे बात करते हैं तो बातों से ही पता चल जाता है कि उसको बीमारी है या नहीं है। तो 70% ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है ही नहीं। तो आज इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। और यदि आपको ऐसे मन में कोई शंका है कि आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या लिंग में छोटापन है, लिंग में टेढ़ापन है, ऐसी कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, और इतनी बेस्ट वीडियो जब आपके लिए लाया हूं तो एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं, और आपका पैसा भी बचा रहा हूं मैं, तो यही चाहता हूं कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दो। अब बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन आ रहा है और मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आते हैं कि सर आपकी हमने वीडियो देखी थी, हमने जो मेडिसिन ली है 3 महीने ली है, 6 महीने ली है, या हमें किसी ने बता दी, जैसे डायमाइना है ये बता दी, एसिड फोर्स बता दी, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, हम ये ले, कब ले, कैसे ले, क्या रिजल्ट लाएगी। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने बता दी, या हमने यूट्यूब पे देख लिया, या हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। तो मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कोई भी मेडिसिन आप ना ले। यदि आपको किसी ने ऐसे बता दी कि मेडिसिन ले लो, तो ऐसे आप कभी भी ऐसे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, अभी मैं आपको बताया जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो लक्षणों के आधार पर चलता है। मान के चलिए आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है, तो प्रीमैच्योर इजेकुलेशन के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप एक बार उस वीडियो को देखना, और आप ये देखना कि वो थोड़ा सा आपको ये सोचना है। देखिए जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आप इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सोचना क्या है, पहले आपको देखना है कि आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है, तो उसके पीछे कारण ढूंढना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए आपके हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग सही नहीं है, या आपका ओवरवेट है, या आपको हाई बीपी की बीमारी है, या आपको लीवर की बीमारी है, या आपको डायबिटीज है, या हो सकता है आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो, एल्कोहल का ज्यादा यूज करते हो, ऐसी कुछ, या आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, तो रीजन बहुत है इसमें। जब तक रीजन का पता नहीं चलेगा, तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और आप क्या करते हो, आप किसी ने भी आपको मैसेज डाल दिया, या आप कोई भी वीडियो देख ली, उसने 2 मेडिसिन बता दी, एकदम भाग जाते हैं कि आप ये दवाई ले लो। तब तक आप दवाई मत लीजिए जब तक उसके पीछे रीजन का नहीं पता चलेगा। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा इसका कारण, और आप देखना जब आप कारण ढूंढना बैठोगे ना, तो कारण भी मिल जाएगा और आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि 70% ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। कहीं ना कहीं जब वो डर निकल जाएगा ना, तो आपको अपना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से मेरे पास कमेंट में आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं, सर हमने आपकी वीडियो देखी, उसकी वजह से हमारा डर निकल गया, और जो हम पैसा खर्च कर रहे थे वो अब पैसा खर्च नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्यों, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो बना चुका हूं। क्या वीडियो बनाई, मैंने एक वीडियो बनाई कि आपके लिंग का साइज कितना होना चाहिए। जब उनको पता चलेगा वे खुश हो गए, सर इतना नॉर्मल साइज होता है, हम बेफालतू के विचार पाल रखे थे मन में, बेफालतू का डर पैदा कर रखा था, तो अभी कहीं अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। मैंने धात के ऊपर बना दी वीडियो कि धात कोई रोग है ही नहीं, आप बेकार में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो वे बोलते हैं सर जब से हमने आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तब तो हमने कभी पैसा खर्च किया ही नहीं। और यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा मोटिव है, ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं,
मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि आपको एक अच्छी सेक्स एजुकेशन मिले, क्योंकि जितने भी आपको एजुकेशन मिल रही है सेक्स एजुकेशन, वो कहीं आपके आस पास से मिल रही है, और जो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है ना, वो आपके माइंड में डर बैठा रही है, फियर बैठा रही है। जब आपके मन में डर बैठेगा तो आप क्या करोगे, इधर उधर अपना पैसा बर्बाद करना स्टार्ट करोगे। और यदि आप सोच के बैठो, थोड़ी देर मनन करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं, आप बेफालतू में ही अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो आप मेरी वीडियो लगातार देखो, और मैं जैसी वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसी कोई वीडियो नहीं बना रहा, बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ आपको, इतने लिंक का साइज होना चाहिए, कोई दाग रोग नहीं है, मास्टरबेशन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, मास्टरबेशन से नुकसान होता है नहीं है। सबने बोल दिया कि आपने मास्टरबेशन कर लिया तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मास्टरबेशन करना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप कभी कभी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठा दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये डर निकालना पड़ेगा, फिर आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। वाकई यदि आपको रीजन मिल गया कि हाँ भाई मुझे रीजन है कि मुझे प्रीमैच्योर इजेकुलेशन है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने जो किसी भी शहर में रहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आइए, मुझे कॉल कीजिए, मुझसे दवाई लीजिए, नहीं, आप किसी भी क्वालिफाइड जो डॉक्टर है होम्योपैथिक उसके पास जाइए, उनको जो भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, देखना आपसे भी बहुत क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर चलती है। हमारे पास भी जो आता है तो हम भी लक्षण लेते हैं, हमारे पास तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर आप इतने लक्षण क्यों लेते हो, क्योंकि हम पूरी केस टेकिंग करते हैं, जब लक्षण मैच कर जाते हैं मेडिसिन से वो मेडिसिन हम देते हैं, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं कि यही मेडिसिन देती है। जब तक रीजन का पता नहीं चलेगा तब तक हम मेडिसिन सेलेक्ट करते ही नहीं। तो आप किसी भी अपने नजदीक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनको जो आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम है तो उनको बताइए, तो वे कहीं ना कहीं आपसे बात करेगी, रीजन आपसे पूछ निकाल लेंगे, जब केस टेकिंग करते हैं तो रीजन भी निकल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। आप क्या करते हो, मेरे पास डेली इतने कमेंट में आते हैं, सर मैं ये मेडिसिन ले लूं होम्योपैथिक, ये मेडिसिन ले लूं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लूं, तो आप ऐसे मेडिसिन ना लीजिए, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में आप ट्रीटमेंट लीजिए, मेरा यही कहने का आपको बिल्कुल आज की वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज है यही है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सचमुच बीमार है या नहीं है। इसके लिए आप मेरी वीडियो जितनी भी है ना सेक्स के ऊपर सारी देख लिए, कि आपका लिंग का साइज कितना होना चाहिए, आपको धात रोग है नहीं है, लिंग में जब तनाव होता है तो ब्लड फ्लो कैसे चलता है, तो मैंने सारी वीडियो जाता गया। इतनी उम्मीद है कि जितने टॉपिक है मैंने सारी पे वीडियो बना रखी है, और वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, सिर्फ आपके लिए कि आपको सही एजुकेशन मिले, और जो आप अपना शरीर है ना वो बर्बाद ना करें। आप इधर से उधर से पता नहीं क्या क्या दवाई खाओगे तो उसमें क्या कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप ऐसे कोई दवाई ना खाए बेफालतू में, और जब भी आप ले किसी अंडर गाइडेंस जो डॉक्टर है क्वालिफाइड उसके अंडर में आप ट्रीटमेंट कराए, या व्हाट्सएप पर आपका कोई भी मेडिसिन आ जाए या आप उसी को लेने भाग जाते हो, और मेरे पास मैसेज आते हैं, बल्कि मेरे पास तो सीसी लेकर आते हैं, सर मैं दवाई खा रहा हूँ 3 महीने से, तो जब हम उनकी केस ट्रिंग करते हैं जी आपके लायक दवाई है ही नहीं, आप क्यों खा रहे हो, जी मुझे किसी ने बताई थी 3 महीने से दवाई खा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट आए नहीं। देखिए रिजल्ट कहां से आएगा, जब तक सिम्टम्स बीमारी से मैच नहीं होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि जितने सेक्सुअल डिजीज हैं इसी में हम हर बीमारी के सिम्टम्स लेते हैं, चाहे कोई भी बीमारी का हमारे पास पेशेंट आता है, हम जब तक उसके सिम्टम्स से मेडिसिन मैच नहीं होती तब तक मेडिसिन हम देते ही नहीं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले तो आपको ये सोचना है कि आप बीमार हो या नहीं हो, और आपको मैं लास्ट में यही बता रहा हूँ कि आप बीमार नहीं हो, आपने खुद को बीमार बना लिया है, आपने सोच के जो डर आपने मन में पैदा कर रखा है ना। देखिए 20-21 साल के लड़के भी कह रहे हैं कि हमारे तो लिंग में तनाव ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई और उनके मन में डर बैठा दिया है। तो आपके मन में जब तक डर नहीं निकलेगा ना, आप कितनी भी दवाई खा लीजिए आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होगे। तो मैं आज की वीडियो का यही पर्पज था, और इस वीडियो को शेयर कर देना हर जगह, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।